मैंने जिंदगी से पूछा, सबको इतना दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी देती हूँ, लेकिन एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाता है। ये दुनिया बड़ी अजीब है, हर किसी की दरारों में झांकने की आदत सी है, लेकिन दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। इसलिए अपने ऊपर लगाए गए इस दुनिया के द्वारा झूठे इल्जामों की फिक्र न करें, क्योंकि वक्त का ग्रहण चांद ने भी झेला है। लेकिन लोग जब आपकी तारीफ करें तो झूठ को उसमें खोजिए, और जब आपकी आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए, और हमेशा आनंद के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों न हो, परंतु भगवान ने जो हमें नींद, शांति और आनंद दी है, उससे कीमती कुछ भी नहीं है। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो हमें आता है उसे कर लूँगा, और जो नहीं आता है उसे सीख लूँगा। और खुद से संकल्प कीजिए, जो गलती आपसे कल हुई थी वो गलती फिर कभी दोबारा न हो। दोस्तों, अगर ज़िंदगी को कंट्रोल करना है तो खुद को कंट्रोल करना सीखो। याद रखिए, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। और आप चाहकर भी लोगों को अपनी प्रतिधारणा को बदल नहीं सकते, इसलिए सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी जिए और खुश रहना सीखिए। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की ताकत डाल लो। दोस्तों, आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी की बाधा नहीं बनता, और दूसरे की राह में बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए आप केवल अपने लक्ष्य के राह पर चले, किसी और के लक्ष्य की राह पर बाधा बनने की कोशिश न करें। और अगर बार बार असफलता मिले तो वो ही सिद्ध करता है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था। दोस्तों, जल्दी जागने से हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे नींद से हो, वहम से हो, या अपने अहम से हो। क्योंकि जब दिल में वहम और दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए, तो समझ लीजिए कि रिश्तों की हार निश्चित है। हमेशा ये बात याद रखो, खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर जो सब कुछ देता है, वो सही वक्त आ जाने से। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाला लोग अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो सम्मान का बोझ हो या अपमान का। याद रखना, जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं, जो दिल से काम किया जा सकता है वो हाथों से नहीं। वक्त सबको मिलती है अपना ज़िंदगी बदलने के लिए, परंतु फिर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सबको गिला है कि मुझे कम मिला है, लेकिन ज़रा सोचिए, एक बार जितना आपको मिला है उतना किस किस को मिला है? अगर कुछ बनना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फ़ोन से नहीं, ज़िंदगी से ब्लॉक कर दो।